वो अपना सा। हमें ये तो पता चल गया ना कि बाबा सा निशा के कब्जे में, एंड आई प्रॉमिस टू यू मैं बाबा सा को घर वापस जरूर लेकर आऊंगी। कौन? बात सुनिए, मैं आपको घर लेकर जाऊंगी। अर्जुन आदि की तरह ड्रेसअप होके क्या कर रहे हैं? अरे बाबा साहब, ध्यान से कहां भटक रहे हो? बाहर निकालो मुझे। वापस आ गई हूँ। अपनी एक एक गलती सबके सामने कबूल करनी है तुम्हें आज, भूलना मत। देखो ये वक्त नहीं है इन बातों का। तुम हो कौन? जानने की हमशक्ल तो नहीं हो तुम, क्योंकि अगर जानने की हमशक्ल होती तो आग में जाकर निशा के सामने वो सब नहीं करती तुम। तुम निशा जैसे खिलाड़ी के साथ अपने गेम खेल रहे हो। तुम जो भी हो, मैं निशा को जाके सब कुछ बता रहा हूँ। रुको, समर प्लीज 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 एक एक बार मेरी बात सुन लो। मैं इस समय में समझा सकती हूँ। जानवी भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती थी, एंड मैं भी तुम्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ, और जितना जान पाई हूँ उतना मुझे समझ में आ गया है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। आई नो कई बार अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ मिल जाते हैं और कुछ गलत चीजें कर बैठते हैं। आई डोंट नो तुमने निशा के साथ क्यों दिया, पर तुम दिल के बहुत अच्छे हो समर। हाँ बोलो। बाकी माँ कैसी है आप? किस काम से फोन किया? आज शाम को घर में पार्टी रखी, सोचा फोन करके आपको पर्सनल इन्वाइट करती। हमें नहीं आना। वैसे पार्टी एक खास शख्स के लिए, वो जो आपके और मेरे दिल के बहुत करीब, आपका आदि। सोचा आप आज पार्टी में आएंगी तो आपके सामने मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर दूं। मैंने सोचा है कि आज सारे गेस्ट के सामने मैं अपनी सारी गलतियां कबूल करूंगी और उनके लिए माफी भी मांगूंगी, इसलिए आपसे कह रही हूँ प्लीज आ जाइए और अपने साथ चिन्नी को भी लेके आइए। तो ड्राइवर? इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही आ जाएंगे। ग्रेट, ठीक 8 बजे। रुको, शाम को घर में पार्टी और तुम अभी ऐसे ही घूम रहे हो। जो भी अरेंजमेंट्स बाहर किए हैं तुमने चेक किया कि नहीं? मैं देख कर आता। और सुनो, जरा अपना फोन देना। निशा, फोन में बैटरी नहीं। Oh.
भी। कुछ देर यहीं बैठ जाती हूँ। वो जानवी का भूत तो मुझे कहीं से भी ढूंढकर निकालेगा। आईसीयू में छुप जाऊंगी तो वहां भी ढूंढेगी। हेलो हेलो मैडम, देखिए हमने पार्टी में आए हुए सभी मेहमानों की तहकीकात कर ली है, लेकिन सबका रिकॉर्ड साफ है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। ओके। वैसे क्या आपने किसी को कुछ करते हुए या कहते हुए सुना है, मतलब किसी पे आपको शक? हाँ नहीं, किसी पर कोई शक नहीं है। देखिए हमें सावधान रहना होगा, मुजरिम फिर से आपके घर में घुसकर मारने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए हमने आपके घर के बाहर सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया। ओके थैंक यू। घर के बाहर सिक्योरिटी का इंतजाम करने से क्या होगा, जानवी की आत्मा तो कहीं से भी आ जाएगी। बाबा साहब उन्हें जो कैद करके रखा है उन्हें छोड़ोगी, सबके सामने उन्हें उनका हक लौटाओगी। इस घर में कल एक आलीशान पार्टी होगी जिसमें तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करोगे। ना मैंने पार्टी में अपनी स्पीच दी, ना आपने गुनाह कबूल किया, और ना ही उस काकी मौत चिन्नी को उनका हक दिलवाया। अरे अभी आत्मा मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए हॉस्पिटल में इतनी सिक्योरिटी है, मुझे पहले ही केस कर लेना चाहिए था। अब कैसे मिलूं मैं समर से, ये इंस्पेक्टर मुझे अंदर जाने नहीं देगा। जानवी कोई भूत नहीं, उसकी कोई आत्मा नहीं, वो एक इंसान है। तो भूत नहीं एक इंसान है, इस बात की खबर तुम्हारे पति समर को पहले से ही थी, वो असलियत पहले से ही जानता था। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जिया नाम की लड़की के बारे में पता कर, हो सकता है ये जिया नाम की लड़की तुम्हारी चांदी की तरह दिखती हो। इस घर पर, व्यापार पर, इस परिवार पर, मोटा भाई की कुर्सी पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। उनकी डेथ की सुबह ही उनकी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारे बिजनेस, यहाँ तक कि उनकी कुर्सी भी, उन्होंने अपना सब कुछ तेजस्वनी राठौड़ के नाम कर दिया है। मैं जब तक जिंदा हूँ तू इस घर का और मेरे अभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुश मत होना सोच के कि हम चुटका चुटकी को भूल गए। भूले नहीं, हम इधर हैं। उन लोगों को एक खरोच भी आया ना तो याद रखना, तुम दोनों का सारा राज हमको पता है, जाके सीधा पुलिस को ही बता दें। ऋषभ जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मीट पृथ्वी, मैं जानती हूँ। रोका मत करो पिता, पृथ्वी तुम्हारे लायक नहीं है, ये शादी मत होने दो। चाची मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
कैसे लेके आओ अपनी महक को? एक्चुअली आप लोगों को इनवाइट करने आई थी। आज करुणा आंटी का बर्थडे है एंड हमने उनके एक सरप्राइज पार्टी रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी खुशी में शामिल करने का सोचा, लेकिन हम नहीं आ सकते हैं। वंदना प्लीज प्लीज आ जाओ।